हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रंजू फिटनेस। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इजीली आप सब बटेक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले जो साइड में सब्सक्राइब का बटन है वो आप सब क्लिक कर दो, तभी आप सबको डेली नोटिफिकेशन जाएगी और मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप सब रेड बटन दबा दो और बेल आइकन का बटन आता है उसको भी क्लिक कर दो। हाँ, मैंने पार्ट वन वीडियो भी बना रखी है इस टॉपिक पे, जो कि है बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो योर ग्लूट्स। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो फटाफट जाके देखें पार्ट वन ब्लॉग, ठीक है, और देखने के बाद पार्ट टू पे आ जाना। उसमें मैंने 5 एक्सरसाइज बताया है और इसमें भी मैं 5 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए, है ना? तो चलो हम एक्सरसाइज का नाम पता करते हैं। तो फर्स्ट है केबल पुल थ्रो, सेकेंड है केबल साइड सेट्स, थर्ड है स्टैंडिंग केबल हिप अबडक्शन, फोर्थ है रेसिस्टेंस बैंड स्क्वाट्स, फिफ्थ है डंबल सोमो स्क्वाट्स, जो कि है मेरा फेवरेट और आप सब ने देखा होगा हर वीडियो हर ब्लॉग में ये एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ। और ये एक्सरसाइज लगाने से क्या क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है इसका, तो चलो वो भी हम पता कर लेते हैं। फर्स्ट है पेन डिक्रीज करने में हेल्प करती है, वेट लूज करने में हेल्प करती है, मसल बिल्डअप करने में हेल्प करती है, लोअर बॉडी बिल्डअप करने में हेल्प करती है, बॉडी फैट रिड्यूस करने में हेल्प करती है, बोन डेंसिटी इंक्रीज भी करती है, मसल ग्रुप्स करने में भी हेल्प करती है, और लेग की जो शेप होती है टोनिंग भी देती है, और उसके बाद स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी भी बढ़ाती है, और जो हिप के दो मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स एंड हिप एबडक्टर उसको भी मसल ग्रोथ करने में हेल्प करती है, और इनर थाई मसल को भी हेल्प करती है इंक्रीज करने में। तो आप सबको पता चल ही गया होगा इन सब का बेनिफिट्स क्या होता है और कैसे करना है। तो कैसे करना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ एक्सरसाइज, वैसी एक्सरसाइज करना है और वैसे पोजिशन रखनी है। तो पहले तो एक्सरसाइज करने से पहले आप सबको प्रॉपर वीडियो देखनी पड़ेगी स्टार्ट से लेके एंड तक। तो पहले प्रॉपर वीडियो देखो मेरी और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो फिलहाल तो मैं जिम में एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप सब घर में भी ये सारी एक्सरसाइज इजीली आप सब घर पे भी कर सकते हो। वो ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाली है, आप सब वेट करिए उसके लिए, और मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। घर पे करके मैं दिखाऊंगी ये सारी एक्सरसाइज। तो आप सब जो जिम नहीं जाते हैं, घर पे जो एक्सरसाइज करते हैं, वो सारे सोचेंगे यार ये लड़की तो जिम में इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रही है, घर में कहाँ से करूँगी, होगा ही नहीं ऐसा, ये हुआ सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, तो स्टार्ट कर दो, चाहे जिम में, चाहे पार्क में, चाहे घर में, चाहे ग्राउंड में, कहीं भी हर जगह कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आई थिंक, तो अब नहीं बोलूँगी, अब एक ही बात बोलूँगी, टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब गाइस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वो कहने की बात होती है यार कि मैं जिम नहीं जा रही हूँ, घर पे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, एवरीवेयर आप कर सकते हो एक्सरसाइज, घर में, छत के ऊपर, रोड पे, ग्राउंड में, पार्क में, हर जगह यार, कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी, हर जगह मैंने एक्सरसाइज करके आप सबको दिखाया है, और मेरी ब्लॉग में हर जगह की वीडियो है, कहीं मैं स्टेयर पे कभी कर रही हूँ एक्सरसाइज, कभी पार्क में, कभी रोड पे भाग रही हूँ, वो भी तो एक्सरसाइज है, उससे भी मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, तो आप सब भी कर सकते हो। तो ज़्यादा सोचो मत, मेरी ब्लॉग देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो और वेट लूज़ करो, हेल्दी रहो और हेल्दी खाना खाओ। ओके, बाय, राधे राधे, जय माता दी।